Hello everyone, in today's video I'm going to explain the central idea of the poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich. So before starting the video, I have a small request. Please watch this video till the end. So without a further ado, let's get started. Central idea of the poem. The poem Aunt Jennifer's Tiger by Adrienne Rich explores how women can feel trapped and controlled in a society where men have more power. So इस poem में Aunt Jennifer Tigers में जो Adrienne Rich द्वारा लिखा गया है इसमें हमें बताते हैं कि एक समाज में woman को कैसे एक तरीके से बंद कर trapped करके रखा जाता है और उस woman के ऊपर man का जो एक power जो है जताते हैं और उन लोगों को control करके रखते हैं। इस चीज़ के बारे में हमें जानने को मिलते हैं। Aunt Jennifer's needlework with its strong tigers represent her desire for freedom and strength. Aunt Jennifer ने needlework करके, needlework का मतलब यहाँ पे है कि एक needle का use करके एक वो design बनाते हैं, एक table cloth में जैसे हम design बनाते हैं, वहाँ पे tiger बनाते हैं वो, और वो उस tiger को इस चीज़ से represent करते हैं कि एक tiger जो है freedom और strength का symbol माना जाता है और इस चीज का डिजायर मतलब डिजायर को लेकर आंट जेनिफर ने एक नीडल वर्क करते हैं, एक डिजाइन बनाते हैं टाइगर का। द पोम शोस हाउ वुमेन लाइक आंट जेनिफर स्ट्रगल अगेंस्ट द लिमिटेड प्लेस ऑन देम। ये कविता हमें एक वुमेन को किस तरीके से सोसाइटी में ठीक है स्ट्रगल करना पड़ता है और साथ ही साथ जो जगह सोसाइटी में मिला है, जो एक लिमिटेड जगह सोसाइटी में मिला है, इस चीज को जिस तरीके से आंट जेनिफर करते हैं, स्ट्रगल करते हैं सोसाइटी में एक लिमिटेड जगह में रहकर उसे अपना फ्रीडम एक्सप्रेस कर नहीं पाते हैं, इस चीज को ये पोयम जो है दर्शाते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।